जन सेवा अभियान के अंतर्गत अब तक 1,90,000 आवेदन जिला प्रशासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 67,000 आवेदकों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। अभियान की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत आयुष्मान योजना, स्वच्छता व्यवस्था, श्रमिक कल्याण कार्ड और सामाजिक पेंशन योजना के आवेदन सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। 67,000 आवेदनों का सफलतापूर्वक निराकरण भी हो चुका है। इसके बाद बैठक में आने वाले त्योहारों पर कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चल रही है, उसका समीक्षा की गई है। उसके साथ साथ कानून व्यवस्था है उसके बारे में भी, और आने वाले समय पे हमको क्या कार्रवाई करना है उसके संबंध में निर्देश दिया गया है। इसमें मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में अभी तक हम लोग 1,90,000 अप्लीकेशन हम लोगों को प्राप्त कर चुके हैं। उसमें 67 अप्लीकेशन को हम लोग पॉजिटिवली हम लोग डिस्पोजल कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा अप्लीकेशन आयुष्मान भारत अभियान का आए हैं, उसके बाद हमारी स्वच्छ भारत मिशन का टॉयलेट कंस्ट्रक्शन के लिए भी अप्लीकेशन आए हैं, और सन निर्माण कर्मकार कल्याण योजना है उसका पंजीयन के लिए कार्ड्स बनाना है उसके लिए भी आवेदन आए हैं। इवन हर प्रकार का पेंशन के लिए भी 6,000, 5,000, 2,000 इस प्रकार का अप्लीकेशन आए हैं। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर तत्परता से कार्रवाई करें, ताकि जनता राहत महसूस कर सके। संगमरमरी वादियों के बीच भेड़ाघाट में 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव का आगाज सुरीले अंदाज में हुआ। डॉक्टर सोनल मानसिंह और उनके समूह ने संकल्प से सिद्धि नृत्य प्रस्तुत किया तो दर्शक मुग्ध हो गए। हस्तशिल्प की प्रदर्शनी और लजीज व्यंजनों के मेले ने आयोजन के आकर्षण में 4 चांद लगा दिए। नर्मदा महोत्सव 2022 की प्रथम संध्या पर पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह के समूह द्वारा संकल्प से सिद्धि नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे देखकर दर्शक मुग्ध हो गए। वहीं संगीत नाटक अकादमी की ओर से बाड़मेर राजस्थान के दीन मोहम्मद एवं समूह द्वारा तांगा एवं मांगलिया लोक संगीत तथा लोक बेलिया नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद राकेश सिंह ने की, और मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र शासन के संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल रहे। जो भी कार्यक्रम यहां पर हो, मां की गरिमा के अनुरूप हो, और इसमें क्वांटिटी के बदले क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान हो, और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भेड़ाघाट क्षेत्र के लोगों के प्रति, जबलपुर के लोगों के प्रति, कि सबने इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर और उसी के अनुरूप चलाने का प्रयास किया है। उसमें सारे जनप्रतिनिधि, सभी दलों के लोग भी उसमें शामिल हैं। संस्कृति राज्य मंत्री के नाते मैं जब इसको देख रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 5 प्रण लिए थे, उसमें एक प्रण ये भी है विरासत को संरक्षित करके रखना। तो ये हमारी विरासत है, और अभी एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है भारत के लिए, G20 की प्रेजिडेंसी, ये क्योंकि ये अपने आप में एक अलग तरह का, ये नर्मदा जी का रूप है, ये मार्बल रॉक्स में, यहाँ ये ही एक पोर्शन है जहाँ मार्बल रॉक्स में नर्मदा जी प्रवाहित होती है। तो दुनिया को पता चलेगा कि नर्मदा जी का ये रूप भी है। तो यहाँ आकर के जब हम कोई न कोई इवेंट देंगे G20 की, तो मुझे लगता है कि देश और दुनिया में इस स्थान का महत्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से बढ़ेगा। बड़ी संख्या में दर्शक, नर्मदा भक्त और शहरवासी इस आयोजन में शामिल होने भेड़ाघाट पहुंचे।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मेघवाल ने मध्य प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लाइव विद नेचर अभियान की शुरुआत देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए नया कॉन्सेप्ट है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। इस पर मंत्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया वो सफल हुआ है। उन्होंने उज्जैन में महाकाल लोक लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। राजस्थान सरकार को लेकर चल रही उठा पटक पर भी केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने तंज कसा। भारत मजबूत भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, हर सेक्टर में मजबूत हो रहा है। आप देखिए, कभी कल्पना कर सकते थे 5G लीड करेगा इंडिया? कल्पना कर सकते थे? योग में पूरा संसार भारत को फॉलो करेगा, कभी कल्पना कर सकते हो? भारत तो जुड़ा हुआ है भाई। कांग्रेस टूट रही है, उसको जोड़ने का कोई प्रयास करे तो वो उनका काम है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। भारत तो जुड़ा हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में। बरगी नगर में दशहरा दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन चल समारोह के दौरान बरगी नगर के चौकी प्रभारी SI आशुतोष मिश्रा द्वारा की गई मनमानी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बरगी नगर के जनप्रतिनिधियों और बरगी नगर वासियों ने SP के नाम ज्ञापन सौंपकर चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। बरगी नगर के निवासियों ने बताया कि चौकी प्रभारी ने मनमानी करते हुए रावण दहन के पहले दुर्गा प्रतिमाओं को दशहरा मैदान से बाहर कर दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। क्षेत्रीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि चौकी प्रभारी द्वारा लगातार क्षेत्र में मनमानीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। अपनी पदस्थापना के बाद लगातार क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे जनता परेशान है। ऐसे में अब लोगों ने चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है। अभी ये बरगी नगर चौकी क्षेत्र से नागरिक गण आए हैं, जो अभी दुर्गा विसर्जन को लेके वहाँ जो समस्या हुई वो और अन्य समस्याएं भी उन्होंने बताई हैं। ये इसकी उपयुक्त जांच कराई जाएगी, जो सक्षम अधिकारी इसकी जांच करेंगे और पूरी स्थिति से माननीय पुलिस अधीक्षक वहाँ अवगत कराया जाएगा। नवरात्र पर्व के समापन और विजयदशमी पर्व से शुरू हुआ दुर्गा विसर्जन चल समारोह का सिलसिला शहर में जारी है। शनिवार को परंपरानुसार पड़ाव वाली माता महाकाली की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में जहां सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए, तो वहीं विसर्जन शोभा यात्रा मार्ग पर माता के दर्शनों के लिए दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए। नवरात्र पर्व के समापन के बाद शहर में दुर्गा विसर्जन का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालु आस्था और उल्लास के साथ ममतामयी माँ को विदा कर रहे हैं। शनिवार को संस्कार धानी में पड़ाव वाली माता महाकाली का भव्य विसर्जन जुलूस निकला। विसर्जन चल समारोह शोभा यात्रा की शुरुआत पड़ाव चौक से हुई। शोभा यात्रा में माता के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। जबलपुर की महारानी के नाम से मशहूर पड़ाव वाली माता महाकाली को विदाई देने शोभा यात्रा के साथ ही सड़कों पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। हम सभी इस ऐतिहासिक पल के गवाह हैं। ना सिर्फ जबलपुर, ऐसा शायद भारतवर्ष में कहीं देखने नहीं मिलता है कि 18-20 किलोमीटर तक जनता इतने उत्साह से भंडारे करती है, फूलों की बरसात होती है और सिंगल माता जी की प्रतिमा का दशहरा से भी भव्य, मुख्य चल समारोह से भी भव्य प्रोग्राम होता है। ये अपने आप में एक गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराने जैसी बात है। 20 साल हो गए हमको आते हुए यहाँ पे, माता जी की कृपा ऐसे ही हम लोग सब पर, परिवार पर, सब पर, पूरे जबलपुर संस्कार रानी पर। ये पड़ाव वाली काली के दर्शन करने हम लोग आए हैं रानीताल के, 25 साल से जुड़े हैं इनसे और बहुत कृपा है माँ की हम लोग के ऊपर, इसलिए हम लोग आते हैं। जबलपुर की महारानी प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी धूम धड़ाके से माता रानी का विसर्जन किया जा रहा है। माता रानी आप सभी को, सभी का भंडार भरे। विसर्जन चल शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान विसर्जन चल शोभा यात्रा मार्ग पर हर तरफ उत्साह और उल्लास का वातावरण नजर आया।
श्रद्धालुओं ने जगह जगह माता रानी का स्वागत किया, तो वहीं जगह जगह भंडारों के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। पड़ाव वाली माता महाकाली का विसर्जन चल समारोह पड़ाव चौक से शुरू हुआ और परंपरागत मार्ग से होकर गुजरा, जहां सड़कों के दोनों ओर माता के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। नवरात्र पर्व की समाप्ति के बाद एक ओर जहां मां जगत जननी को विदाई दी जा रही है, तो वहीं अलग अलग मंदिरों में स्थापित जवारों का विसर्जन भी पूरे भक्तिभाव से किया जा रहा है। इसी कड़ी में चारखंबा स्थित मां बूढ़ी खीरमाई मंदिर की जवारा विसर्जन शोभा यात्रा भी धूमधाम और भक्तिभाव के साथ निकाली गई। अब मंदिरों में स्थापित जवारों के विसर्जन का क्रम जारी है। शहर के सिद्ध और प्राचीन देवी मंदिरों से जवारा विसर्जन शोभा यात्रा भक्तिभाव से निकाली जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को चारखंबा स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मां बूढ़ी खीरमाई मंदिर से भव्य जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। आकर्षक विद्युत साज सज्जा और बैंड दलों के बीच जवारा कलश धारी महिलाएं और बाना धारण किए भव्य शोभा यात्रा के मुख्य आकर्षण रहे। खेरमाई के जवारे बड़े हर्षोल्लास से निकाले जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। हमारे कम से कम 3-4 हज़ार बहाने चल रहे हैं, घट चल रहे हैं, और सभी का सहयोग और हर जगह उल्लास के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और इस वर्ष मां बूढ़ी खेरमाई के भव्य स्वरूप को देखते हुए एक नया क्षेत्र बना जो आज चल रहा हमारे बीच में, और सहयोगियों का मेरा सहयोग मिलता है और मिलता रहेगा। अपनी अपनी मान्यताओं के साथ चल रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, और हम उन सारे लोगों के साथ उनकी आस्था के साथ आज बूढ़ी भाई खीरमाई का जल समारोह लेके चल रहे हैं। और ये स्वतः में स्पष्ट है कि कभी बूढ़ी खीरमाई की व्यवस्था में हम आप सब लगे जरूर हैं, लेकिन भगवती अपने आप अपनी मान्यताओं के साथ स्वयं रथ पर सवार होकर चलती है, यही इस जवारे की एक विशेष विशेषता है। और आज इस वर्ष हमारा जो है विशेष रूप से 11 किलो का शांति का छत्र माता के जवारों के लिए चढ़ाया गया, जो आपने अभी देखा। और यह छत्र जो है सभी भक्तों के द्वारा मां बूढ़ी खीरमाई परिवार मंदिर के सदस्यों के द्वारा जो है यहां पर अर्पित किया गया है। जवारा शोभा यात्रा का शुभारंभ मां बूढ़ी खीरमाई मंदिर में माता के पूजन अर्चन के साथ हुआ। जवारा विसर्जन शोभा यात्रा के दर्शनों के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म नहीं हो रही है और आए दिन लगने वाले जाम से शहरवासी त्रस्त हैं, लेकिन प्रशासन और यातायात विभाग के अधिकारी इसका उचित समाधान नहीं निकाल पा रहे। सड़कों के किनारे लगने वाले ठेले डबरे और अघोषित दुकानें इसका सबसे बड़ा कारण है। शनिवार को ट्रैफिक जाम के बीच वाहनों के पहिए घंटों तक थमे रहे।
शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने शासन प्रशासन के पास कोई ठोस प्लान नहीं है। ऐसे में सड़कों और चौराहों पर काबिज अतिक्रमण सड़क जाम करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके बड़ा फुहारा में शनिवार को सड़क जाम लग गया। जाम के बीच फंसे लोग चंद मिनटों की दूरी घंटों में तय कर सके और शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं को कोसते नजर आए। लेट हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं है यहाँ, कार्स कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ पर, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है, कर रहे हैं घंटों से, यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप तो देख तो रहे हैं चारों तरफ से जाम लगा हुआ है। कब से खड़े आप यहाँ? 25 मिनट हो गए करीब। दरअसल त्योहार के कारण बड़ा फुहारा और उसके आसपास फुटपाथ पर दुकानों का अतिक्रमण था। ऐसे में चारों तरफ की सड़क पर वाहनों की कतारें लग गईं और चंद मिनटों की दूरी घंटों में तय हुई। हालांकि जाम के हालातों से निपटने पुलिस अधिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में किया, जिसके बाद हालात सामान्य हो सके। त्योहारों की वजह से बहुत से लोग फुटपाथ पे बैठ गए हैं और बहुत सारे लोगों का सामान खरीदारी के लिए भी आवागमन बड़ा तीव्र हो गया था, जाम लगा हुआ था, तत्काल बल बुला के और उनका मैनेज करके खुलवाया गया। सुपरमार्केट से लेकर लाडगंज, बड़ा फुहारा, कमानिया, कोतवाली और मिलोनीगंज शहर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र माना जाता है। त्योहारों पर इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही और भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ ट्रैफिक जाम के हालात बार बार निर्मित होते हैं। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी यानी आत्मा गवर्निंग बोर्ड की एक बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती पर विस्तृत चर्चा की गई। किसानों की समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। आत्मा गवर्निंग बोर्ड की एक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई, जिसमें प्राकृतिक खेती पर चर्चा की गई। जो किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, साथ ही कृषि अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी सुझाव दिए। बैठक में किसानों की नहर, पानी, बिजली और फर्टिलाइजर से संबंधित समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। महीने में प्रथम शनिवार को हम लोग है ना सभी लोगों के साथ बैठते हैं, उनके कितने भी इश्यूज हैं उसको हम लोग नोट करके निराकरण करते हैं। स्पेशली WRD का इश्यूज है, नहर है, टेल एंड पे ना पानी नहीं पहुंचना या नहर का है ना मरम्मत होना, इसके अलावा ट्रांसफार्मर है ना खराब है, MPV के ना कितने भी, उसको जल्दी से जल्दी ना रिप्लेस करना और उनका ना फर्टिलाइजर से लेकर और विभिन्न डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स हैं उसका अवगत कराते हैं। आज आत्मा में ऐसे किसानों को भी हम लोग है ना सेलेक्ट करके, जैसे कि ना स्टेट का अंदर भ्रमण है ना करना, स्टेट से बाहर है ना किसानों को है ना उन्नति किसान है मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको और एक्सपोजर कराना है। साथ ही हमने प्राकृतिक खेती पर भी एक विषय रखा है और हमारे जो जिले में सिलेक्टेड फार्मर्स हैं जो अच्छी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उन सभी को आमंत्रित किया है। उसके अलावा कुछ दूसरे कृषक भी हैं, वो अपना प्राकृतिक खेती का अनुभव शेयर कर रहे हैं। उसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र से साइंटिस्ट हैं और सारे विभागों के अधिकारी हैं, जो कि हम लोग का आत्मा का मुख्य उद्देश्य है कि सारी विभागों को संयोजित कर आगे कार्यविधि करना है, तो उन्हीं पर सब पर चर्चा हो रही है। दरअसल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है, इसके लिए किसानों को दूसरे स्टेट जहां प्राकृतिक खेती ज्यादा होती है वहां का भ्रमण कराने की योजना भी तैयार की जा रही है, ताकि मध्य प्रदेश में भी अच्छी उपलब्धि हासिल की जा सके। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिशप PC सिंह के करीबी माने जाने वाले डेनिस लाल ने द साइनोड ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि डेनिस लाल PC सिंह के सबसे समीपी थे। जेल में बंद बिशप PC सिंह के सबसे करीबी माने जाने वाले द साइनोड ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डेनिस लाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शनिवार को उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बिशप PC सिंह के इशारों पर काम करने वाले डेनिस लाल को नोटिस जारी कर EOW ने सोमवार को पूछताछ के लिए कार्यालय बुलाया है।
इधर जांच टीम ने बिशप पीसी सिंह के पुत्र पीयूष पाल सिंह के बैंक अकाउंट की जांच की, जिससे कई चौंकाने वाले राज उजागर हुए हैं। सूत्रों की माने तो बिशप पीसी सिंह ने पुत्र पीयूष पाल सिंह और पत्नी नोरा सिंह के साथ मिलकर लाखों रुपयों की हेरफेर की है। ईओडब्ल्यू ने आयकर विभाग सहित सभी बैंकों से पीयूष पाल सिंह के बैंक खातों की लेन देन की जानकारी मांगी है। वहीं दूसरी ओर पीयूष पाल सिंह और नोरा सिंह की संपत्तियों की भी ईओडब्ल्यू जांच कर रहा है। गोरखपुर कुम्हार मोहल्ला में संजीवनी नगर निवासी जितेंद्र रैदास की चाकू से हमला कर हत्या करने के बाद फरार हुए चारों आरोपियों को गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक धक्का लगने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद आरोपियों ने जितेंद्र पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हत्या की इस वारदात के मामले में पुलिस को सीसीटीवी वीडियो भी हाथ लगे थे। गोरखपुर के कुम्हार मोहल्ला में दो दिन पहले संजीवनी नगर ग्राम अंधुआ निवासी 20 वर्षीय जितेंद्र रैदास की चाकू मारकर हत्या करने वाले चार आरोपियों अभिषेक सोनकर, गौरव सोनकर, सोनू कोरी और बहना मोहल्ला निवासी सुजल जायसवाल को गोरखपुर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इन चारों ने धक्का लगने के मामूली विवाद के बाद जितेंद्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस को घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले थे। पुलिस के मुताबिक जितेंद्र गोरखपुर में एक दुकान में काम करता था और काम निपटाने के बाद रात में दशहरा चल समारोह देखने निकला था। कुम्हार मोहल्ले में मोटरसाइकिल से निकलते वक्त जितेंद्र रैदास का धक्का इनको लग गया था और इसके बाद इन लोगों ने विवाद करते हुए उस पर चाकू से हमला कर दिया। जितेंद्र को घायल हालत में मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।